विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा हर चौराहे हाईवे पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान चार पहिया वाहन को चेक किया जा रहा है। बता दें आपको कि आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है। इसी दौरान सीएसपी हिना खान और जांचपुर थाना बल के साथ बिक्की फैक्ट्री चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जिसमें चार पहिया वाहनों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान गाड़ियों के कांच पर काली फिल्म लगी पाई गई, वह भी उतारी गई। गाड़ियों की डिग्गी चेक कराकर कुछ गाड़ी ऐसी मिली जिस पर नंबर प्लेट और नंबर की जगह जाति व शब्द लिखा हुआ था। इन गाड़ियों पर चलानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 25 से 30 गाड़ियों पर चलानी कार्रवाई की गई। ये रात में कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या किन लोगों से कार्रवाई की है? जैसे कि सभी जानते ही हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसी के तहत जो आचार संहिता के नियम हैं उनको लागू करवाने के लिए और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। किन प्रकार की गाड़ियां हैं, कुछ किन लोगों को भी पकड़ा है, कुछ लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी वगैरह भी चेक करी तो कुछ मिला है? गाड़ियों की डिग्गी भी हम चेक कर रहे हैं। गाड़ियों पर यदि काली फिल्म लगी है, हुटर लगे हैं या किसी और तरह की नेम प्लेट लगी हुई है जो कि नहीं लगना चाहिए अभी इस समय, तो उनको भी हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी? जी, सभी पे चालानी कार्रवाई की जाएगी। हुटर हटाए जाएंगे, उसके तहत कोलाहल अधिनियम के तहत की जाएगी और जो ब्लैक फिल्म लगा रखी है या नंबर प्लेट पे कुछ लिख रखा है तो उसकी MV Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।